झालावाड़ जिले के डक कस्बे में बारिश नहीं होने से किसानों की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं श्रद्धालु इंद्रदेव को मनाने के लिए अलग अलग प्रकार से टोटके करने में लगे हुए हैं। डक पठारी स्थित श्री खेड़ापति बाल रूप वीर हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर परिषद पर अनूठे अंदाज में भगवान को मनाने का एक अजब अनूठा उदाहरण पेश किया, जहाँ मंदिर में विराजमान शिवलिंग एवं नदी को जलगमन कर हर हर गंगे के साथ श्रद्धा पूर्वक जाप कीर्तन कर समर्पित भक्ति भाव श्रद्धा से आयोजन संपूर्ण किया। मंदिर के पुजारी हेमंत बैरागी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष बारिश नहीं होने से टोटका किया गया। प्राचीन समय से ऐसी धारणा है कि शिव ज्योतिर्लिंग को हर हर गंगे पानी में जलगमन कर दिया जाए तो भगवान की सृष्टि पर तीसरी नजर पड़ती है एवं सृष्टि के बारे में विचार कर कष्टों का निवारण कर जरूरत होने पर धरती की हरियाली को बरकरार रख इंद्रदेव से प्रार्थना कर बारिश करवाते हैं ताकि सृष्टि कायम रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता अतुल प्रधान की रिपोर्ट, डग राजस्थान से खबर। मंदिर में भगवान शंकर भगवान को जल में डुबाया जा रहा है क्योंकि डग में बहुत दिनों से पानी नहीं आ रहा है, तो हम उनको जल में डुबा के कीर्तन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पानी बरसाए डग में और सभी किसानों के सबके गाँव वासियों के चेहरों पर खुशी लाए। तो आज उनका पानी डुबा रहे हैं और उनको नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी आस्था में विश्वास हो और पानी आ सकता है? नहीं, हमको पूरा भोलेनाथ पे विश्वास है, तो वो हमारी बात पूरी सुनेंगे और वो जल बरसाएंगे।